सो हेलो डीशन फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। सो आज हम लोग खेलने वाले हैं काफी डरावना गेम, वो भी एक डरावने अंदाज में। रे बाबा, तो अभी तो मैं मजाक कर रहा था गाइस, आप लोगों को तो पता ही है मेरी डीएचएन फैमिली किसी से नहीं डरती। सो आज वाला वीडियो ना गाइस काफी अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं एविलन का बलून एस्केप। अभी फटाफट से हम लोग इस वाले गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक शायरी हो जाएगा। अर्ज किया है ग्रैंडपा की, ग्रैनी है वाइफ और एविलन है गर्लफ्रेंड। ग्रैंडपा की, ग्रैनी है वाइफ और एविलन है गर्लफ्रेंड। और आज मैं और मेरी डीएचएन फैमिली मिलकर करने वाले हैं एविलन का एंड। सो थैंक यू गाइस। तो गाइस जब तक वीडियो शुरू हो रही है, वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और गाइस टल्ली लड़ो ना बिल्कुल मत भूलना रे बापा। सो अभी आप लोग सोच रहे होंगे बलून एस्केप करने के लिए मास्क कलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं आप लोग को भी बता दूं गाइस कि मैंने मास्क ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है, बट अभी ना गाइस हमें मास्क को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए ग्रिल फाउंड करना पड़ेगा। मे बी अभी ग्रिल कहीं बाहर कहीं पड़ी होगी, सो फटाफट से हम लोग अभी ग्रिल को ढूंढ लेते हैं। सो गाइस हर बार की तरह यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि मेरे को अभी गाइस ऊपर जाना पड़ेगा, और आप लोग को तो पता ही ऊपर में हमारे आंटी जी होंगी जो कि ना गाइस हथौड़ा लेके हमारी वेट कर रही होगी। रे बाबा, जिससे पहले की आंटी नीचे आके हमारा घंटी बजा दे, आज ना हम लोग आंटी का घंटी बजा देंगे। तो फटाफट से हम लोग एविलन आंटी की घंटी बजाने चलते ना। रे बाबा, क्या बोला? मेरा घंटी बजाएगा? घंटी में बजाऊं क्या? बोलना आंटी आऊं क्या? अभी ना रे बाबा, आंटी ऊपर की साइड चली गई है, और गाइस हमें भी ऊपर की साइड जाना था। अभी तो मेरे को काफी डर लग रहा है। आने दो इस वीडियो को, आज मैं इस वीडियो को नहीं छोडूंगी। आंटी तो काफी गुस्से में लग रही है गाइस। कहते मैं ग्रैंडपा से करने, मेरा से ग्रैंडपा से करने वाली है। सो आंटी तो अभी यहाँ से भाग गई गाइस, तो हम लोग जल्दी से फटाफट से अंदर की साइड चलते हैं। ऐसी बिट्टू अभी मेरे को जलाया था ना। अरे यार आंटी तो वापस से आ गई, तो मैं तेरे सर पे हथौड़ा मार के तेरे सर। यार अभी यहाँ से निकल लो गाइस, निकल लो यहाँ से। अभी तो गाइस मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। अगर क्यों? क्योंकि अभी मेरे को एविलन के हाथों से मरना नहीं है रे पापा। अभी ना गाइस एविलन आंटी अंदर की साइड आ गई है, और मेरे को डर लग रहा है बस अभी यहाँ पे ना जाए। बिट्टू तो यहाँ पे नहीं है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। आंटी को पॉटी लग गया होगा गाइस। कुछ भी, तो फटाफट से अभी हम लोग सारे ड्रॉवर को चेक कर लेते हैं, और इसमें तो कुछ भी नहीं था। मेरे को यहाँ पे कोई कार्ड मिल गया है गाइस। अच्छा गाइस मेरे को लॉकर कोड मिला है, अभी उसको ले जाने से पहले मैं सबसे पहले स्मॉल केबल को ले जाता हूं। मेरे को अरे भाई साहब, आंटी तो यहीं पे कैंपिंग कर रही थी। कैंपर किसको बुला रहे? मैं तो फ्री फायर की प्रो प्लेयर हूं। तो फटाफट चलकर हम लोग इसको यहाँ पे लगाएंगे। और अभी क्या बाबा, निकल लो यहाँ से, निकल लो। भाग तो किधर है? अरे भाई ये तो हथौड़ा लेके मेरे पीछे ही पड़ गई। तो अभी फटाफट से हम लोग इसको हटा लेते गाइस, और जल्दी से चलकर हम लोग इसके लॉकर कोड को पिक कर लेते हैं। मैंने ग्रैंडपा को फोन कर दिया, वो तो अभी आते हैं। अभी एविलन आंटी कम थी जो अभी ग्रैंडपा को बुला रही है। वैसे अभी आने दो ग्रैंडपा को, मैं थोड़ी ना डरता हूं चड्डी चोर ग्रैंडपा से। तो फटाफट से चले स्विच से हम लोग सारे डोर को अनलॉक कर लेते हैं, और अभी यहाँ के सारे गेट ओपन हो चुके होंगे। एविलन आंटी यहाँ पे नहीं दिख रही है गाइस, तो जल्दी से इस वाले क्रोवर से इस वाले प्लैंक को हटा लेते हैं। ये मैंने इसको हटा दिया, और अभी इसको भी हटाना बाकी है। और फाइनली हम लोगों ने यहाँ का प्लैंक को रिमूव कर दिया है, और अभी तो गाइस यहाँ पे काफी शोर हो गया है। तो अभी कह रहे बाबा, अभी यहाँ से निकलते ना गाइस। तो अभी ना फटाफट से लॉकर कोड को लेकर लॉकर की ओर चलते हैं, और शायद से ये लॉकर अभी यहीं कहीं होगी गाइस। और ये लोग, ये रहा हमारे लॉकर। तो देखते हैं अभी हमें इसमें से क्या मिलता है। तो इसमें से हमें कैची मिल चुका है गाइस, और गाइस मेरे को भी ये नहीं पता कि ये अभी कहाँ पे काम आने वाली है। और ये लोग गाइस फाइनली मेरे को ग्रिल यहाँ पे मिली गई। तो अभी ग्रिल लेने से पहले इस वाली कैची को हम लोग कहीं सेफ जगह पे ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन अभी थोड़ा आराम से गाइस, बस यहाँ पे अभी एविलन आंटी ना हो, क्योंकि अभी ना गाइस मैंने चाहता कि हमारा एक डे भी वेस्ट हो। तो फटाफट से हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉप करके अपना ग्रिल को ले आते हैं। अच्छा तो तू यहाँ पे? अरे यार आंटी कहाँ से आ गई? मेरे स्कूल मेरे से ही पूछते कहाँ से आई। अरे आंटी प्लीज मेरे को छोड़ दो, मैं तो बस ऐसा ही पूछ रहा था। तो फाइनली मेरे को अभी ग्रिल मिल चुकी है गाइस, और मेरे को तू। अरे यार ये फिर से आ गई गाइस, इससे पहले कि आंटी हमें मार दे, निकल लो रे पापा, निकल लो यहाँ से। तो फटाफट चलते हैं हम लोग अपने सीक्रेट वाले रूम में, ताकि हम लोग अपने मास्क को एक्टिवेट कर सके। और अभी एक सेकंड गाइस, हम लोग इस वाले प्लैंक को भी लगा लेते हैं, और अब तो यहाँ पे एविलन आंटी बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी, और अभी यहाँ पे इसको भी लगाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो अभी शायद से गाइस हमारा मास्क अभी एक्टिवेट हो रहा है, और अभी ना गाइस मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ना गाइस मुझे भी देखना है इस वाले मास्क का क्या पावर है, कैसे यूज करना है। और अभी ना रे पापा, मेरे को लगता है ये शायद से अभी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है। ओह माय गॉड गाइस, काफी कमाल का दिख रहा है ये तो। और इस मास्क से हमें काफी सारी रे निकलती हुई दिख रही है। तो फटाफट हम लोग इस वाले मास्क को अभी ले लेते गाइस। तो मेरे को लगता है अभी भी हमारा मास्क एक्टिवेट नहीं हुआ है। और ओ भाई ये क्या घूम रहा है, शायद से भी कोई यहाँ पे रास्ता खुल गया है। अभी तो मेरे से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है गाइस। तो फटाफट चलकर देखते गाइस ये वाला रास्ता अभी कहाँ पे जा रही है। और नीचे भी गाइस काफी सारे बेड लगे हुए हैं, और ओ भाई तो यहाँ पे तो बच्चे भी है। मेरे को लगता है गाइस एविलन ने सारे बच्चों को हिप्नोटाइज करके रखा है, और सारे बच्चे शायद से यहीं पे काम करते हैं। तो फटाफट से हम लोग इस वाले रूम को भी देख लेते हैं। ओ भाई शायद से यहाँ पे एक बच्ची रो रही है गाइस। यार मेरे को लगता है इसको एविलन ने मार मार के ऐसे बुरी हालत कर दी है। तो
बाकी बच्चों की तरह विलन ने इसको भी हिप्नोटाइज करके रखा है। सो मैं आप लोग को बता दूं गाइस, आज हम लोग बलून इसके पकीले ने इन सारे बच्चों के साथ करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे को भी लगता है कि शायद इस बच्चे के थ्रू मेरे को कोई क्लू मिलने वाला है। ओ भाई, यहाँ पे विलन आ चुकी है। बट अभी हम लोग को डरने की जरूरत नहीं गाइस, जब तक हम लोग इस वाले रूम में रहेंगे तब तक हम लोग विलन से सेफ है गाइस। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और गाइस, साइस इस बच्चे ने मेरे को कोई पासवर्ड बताया है अभी ना गाइस, मेरे को नहीं पता ये पासवर्ड अभी कहाँ पे यूज होने वाला है। और इविलन आंटी भी यहाँ से वापस जा रही है, तो यहाँ पे बलून के लिए गाइस सिलेंडर पड़े हुए हैं। मेरे को लगता है गाइस अभी तक तो इविलन आंटी यहाँ से चली गई होगी। पता नहीं ये देसी बेटो कहाँ चला गया। अरे भाई, ये आंटी तो मेरे को ही ढूंढ रही है। और गाइस, यहाँ पे आंटी ने डोर को भी लॉक कर दिया। क्यों ना गाइस हम लोग उस वाले बच्चे को दिया हुआ पासवर्ड को हम लोग यहाँ पे डाल के देखते हैं। मुझे पता नहीं अभी क्यों लग रहा है पासवर्ड यहीं का होगा गाइस, तो फटाफट इसको अनलॉक करके देख लेते हैं। और बूम गाइस, ये पासवर्ड यहीं का था। तो अभी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम लोग उस वाले रूम से निकलते तो गाइस इविलन हमें पहचान जाएगी और हमें वो नहीं छोड़ेगी। तो मेरे को यहाँ पे इविलन आंटी नहीं दिख रही गाइस। फटाफट से इस वाले बंच ऑफ की को भी ले लेते हैं। और अभी एक सेकंड गाइस, मेरे को इस वाले डोर बेल को बंद करने के लिए इसको कट करना पड़ेगा। तो फटाफट ऊपर चलकर हम लोग कैची को ले आते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो जल्दी से हम लोग इस वाले कैची को उठा लेते हैं और इससे पहले कि विलन आंटी यहाँ पे आ जाए। तो अभी क्या रे बाबा, निकल लो यहाँ से, निकल लो जल्दी से। तो सबसे पहले मैं इस वाले डोर बेल को कट कर देता हूँ गाइस, क्योंकि अभी सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी ना गाइस मुझे सिलेंडर को खोलने के लिए क्रोवर की भी जरूरत पड़ेगी, और शायद से मैंने क्रोवर को ऊपर में ही ड्रॉप किया था। तो फटाफट चलकर हम लोग उस वाले क्रोवर को भी ले आते हैं। और अभी तो गाइस मेरे को यहाँ पे काफी डर लग रहा है, बस यहाँ पे विलन आंटी ना आ जाए। तो जल्दी से हम लोग उस वाले क्रोवर को लेकर नीचे की ओर चलते गाइस। और फाइनली गाइस मेरे को यहाँ पे क्रोवर मिल चुकी है। तो बलून के लिए गाइस हमें सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। तो फटाफट से हम लोग इस वाले प्लैंक को भी हटा लेते हैं। अभी हम लोगों ने इधर से भी रिमूव कर लिया और अभी इसको भी रिमूव कर लेते हैं। और अभी हम लोग इस वाले प्लैंक को हटा सकते गाइस। और भाई साहब, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, अभी मेरे को एक और जरूरी काम करना पड़ेगा। मेरे को ना गाइस अभी लॉन्ड्री वाले बहन को भी बुलाना पड़ेगा। अच्छा, जिसको बुलाने के लिए गाइस मुझे लॉन्ड्री वाले बहन का कार्ड चाहिए होगा। तो फटाफट से हम लोग अभी ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं और शायद से गाइस लॉन्ड्री वाला कार्ड अभी यहीं कहीं पड़ा होगा। तो फटाफट चलकर हम लोग सबसे पहले इस वाले कबर्ड पे ढूंढ लेते हैं। और ये लोग गाइस, यहाँ पे मेरे को फोन नंबर मिल चुकी है। तो जल्दी से हम लोग लॉन्ड्री वैन वाले आंटी को कॉल कर लेते हैं। तो फटाफट से हम लोग अभी नीचे की ओर चलते हैं गाइस। मगर क्यों? क्योंकि ना गाइस अभी यहाँ पे हमें सीक्रेट एजेंट मिलेगा जो कि हमें आगे गाइड करेगा कि हम लोग को आगे और क्या करना है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ऐसे में तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया गाइस। तो फटाफट अभी हम लोग उस सीक्रेट एजेंट के पास चलते हैं। और गाइस वो हमें अभी यहीं पे मिलने वाला है। सो अभी वो कह रहा है गाइस मैं अंदर आ सकता हूँ। तो अभी हम लोग अंदर साइड चलकर देख लेते गाइस। सो गाइस ये वही बंदा है जो हम लोग को आगे का प्लान बताएगा। अरे भाई, ये देख रहे हैं तो ब्लूप्रिंट। अरे हाँ हाँ, दिख रहा है। इसको ले जाकर हमारे स्मार्ट एजेंट को दे दियो। सो ये कह रहा है हमें अंदर में कोई स्मार्ट स्टूडेंट को देना है जो कि ये ब्लूप्रिंट देखकर समझ जाएगा गाइस। और ये बंदा भी मास्क का कोई पावर की बात कर रहा था। तो अभी ना गाइस हमें मास्क का ट्रू पावर मिल चुका है। तो फटाफट से हम लोग इसको ऑन करके एक बार देख लेते गाइस। और गाइस ये तो काफी खतरनाक मास्क है, इससे भी हम लोग कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो जल्दी से भी हम लोग नीचे की ओर चलते हैं। और अभी तो मेरे को ऐसे टेलीपोर्ट होने में काफी मजा आ रहा गाइस। और भाई ये हम लोग टेलीपोर्ट होके कहाँ आ गए? अच्छा, तो यहाँ पे भी सीक्रेट लोकेशन था गाइस। सो ये ना गाइस हमारा दिया हुआ ब्लूप्रिंट वो काफी ध्यान से दिख रहा है। अरे ये बनाना तो मेरे लिए काफी आसान है। तो ये कह रहा गाइस इसके लिए काफी आसान है ये बनाना। यार ये ऐसा बोले कहाँ चला गया? तो गाइस ये सारे बच्चों को भी बाहर ले जाने वाला है। और गाइस यही टाइम है जब सारे बच्चे बाहर जाएंगे तो हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी हम लोग विलन आंटी को दिखना पड़ेगा वो कहाँ पर है। और यार ये कितना चिल्लाती है, बस हवा निकल गई। सो अभी गाइस हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी शोर कर लेते हैं ताकि विलन आंटी ऊपर की साइड आ जाए। अगर नन ने अभी ना किसी बच्चे को देख ली ना गाइस तो सीधे जाकर उसको हथौड़ा मार देंगे। देसी बट अभी ना मैं तेरे को हथौड़ा मारूंगी। तो अभी ना हम लोग इसको अपने पीछे भगाने वाले हैं। अरे पापा, जब तक ना गाइस सारे बच्चे अपने लोकेशन पे ना पहुंच जाए तब तक हम लोग आंटी को अपने पीछे ही भगाने वाले हैं। मस्त प्लान है। हाँ, अभी मेरे से तो बच के भागे किधर। तो अभी गाइस शायद से वो सारे बच्चे अपने लोकेशन पे पहुंच गए होंगे। तो अभी ना पापा फटाफट से हम लोग नीचे की साइड चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले डोर को लगा लेता हूँ ताकि ना गाइस आंटी को ये ना पता चले कि हम लोग नीचे की साइड गए हैं। और ये देख लो गाइस सारे बच्चे भी सेफ लोकेशन की ओर जा रहे हैं। तो अभी ना गाइस हमें बलून में लगाने के लिए शायद से सिलेंडर की भी जरूरत पड़ेगी। और वो सारे सिलेंडर गाइस नीचे की ओर पड़े हैं। और इससे पहले कि विलन आंटी यहाँ पे आ जाए तो फटाफट से हम लोग सारे सिलेंडर को लेकर वो भी ऊपर की साइड चलते हैं। बट अभी एक सेकंड गाइस, मेरे को स्टार्टिंग में एक बच्ची दिखी थी जो कि गाइस यहाँ पे है। मुझे तो डाउट था गाइस कि अभी यहीं कहीं पे होगी। इसकी दिमागी हालत ना गाइस मेरे को लगता बिल्कुल भी सही नहीं है। और अभी गाइस ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम लोग इसके सही लोकेशन पे ले चले। और बलून स्किप में गाइस हमारे लिए सारे बच्चे इंपॉर्टेंट रखते हैं। और अभी ना मैं हर एक बच्चे को बचाने वाला हूँ जो कि यहाँ पे फंसा है। अभी पता नहीं गाइस क्यों लग रहा है मेरे को मैं इसके कारण मरने वाला हूँ, क्योंकि ना गाइस ये काफी स्लो चल रही है। इतने देर में तो विलन आंटी यहाँ पे आ जाएगी। और अगर नन यहाँ पे आ गई ना गाइस तो मेरे पास तो उसको डैमेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो फाइनली हम लोग जैसे तैसे करके हम लोग इसको यहाँ पे ले आए हैं। और गाइस यहाँ पे तो बहन लगी पड़ी है। अच्छा, तो ये बहन को भी हटा रहा है गाइस। मुझे लगता है ये बहन शायद से नन से बचने के लिए लगाया होगा।
मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो अभी फटाफट से हम लोग इस वाले सिलेंडर को यहाँ पे लगाने वाले हैं, और यहाँ पे लगाने के लिए ना गाइस मेरे को एक और सिलेंडर चाहिए होगा। तो अभी ना जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो। मगर क्यों? क्योंकि ना आप लोग लाइक करते तो मेरे को अच्छा लगता है बाबा। तो अभी प्लीज लाइक कर दो गाइस। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अभी ना टेलीपोर्ट होने में मेरे को काफी मजा आ रहा गाइस। तो स्किप करने से पहले हम लोग थोड़ी सी मस्ती कर लेते गाइस। A few moments later. अरे भाई अभी मेरे को नहीं मालूम तो किसका मास का पावर लिमिटेड होता है। मैंने तो फिजूल में बहुत सारे पावर को वेस्ट कर दिया। तो फटाफट से चलकर हम लोग दूसरे वाले सिलेंडर को भी ले आते हैं। और गाइस आंटी यहाँ पे क्या कर रही है? अभी ना गाइस मेरे को काफी डर लग रहा है, क्योंकि ना हमारे मास का पावर काफी थोड़ा सा बचा है, और मैं तो इसको फिजूल में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला हूँ गाइस, क्योंकि अभी एक ही गलती हम लोग दोबारा से नहीं करने वाले। तो फटाफट से हम लोग इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। और अभी मेरे को बलून में लगाने के लिए फायर चाहिए होगा, और अभी ना मेरे को मालूम है कि हमें फायर कहाँ से मिलने वाली है। तो अभी क्या रे बाबा चलते ना गाइस। तो अभी ना गाइस हम लोग थोड़ी दूर पे टेलीपोर्ट होने वाले हैं, क्योंकि पीछे में ना गाइस विलन आंटी कैंपिंग कर रही है। तो फटाफट से हम लोग अभी वहीं पे चलते जहाँ पे फायर पड़ी है। तो इससे पहले कि विलन आंटी यहाँ पे आ जाए जल्दी से हम लोग अपने फायर को लेकर चलते गाइस, बट उससे पहले हम लोग इसको जलाना पड़ेगा। तो फाइनली इस पे फायर लग चुका है गाइस। तो अभी क्या रे बाबा यहाँ से निकलते ना गाइस। अभी ना मेरे को थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, अगर ये फायर बुझ गया ना तो हम लोग को वापस से यहाँ पे आना पड़ेगा यार, इससे पहले कि स्टिक जलकर खत्म हो जाए। तो अभी हम लोग फटाफट से अपनी लोकेशन की ओर चलते हैं। और गाइस नन अभी यहीं पे कैंपिंग कर रही है। सीधा नन बोलता है भैया अचानक से मार्क कहां गायब हो गया। ओ भाई साहब तो अभी हम लोग बाल बाल बच गए गाइस यहां पे। तो अभी मेरा मास्क का पावर भी खत्म हो चुका है, और यार अभी ये स्टिक भी खत्म होने वाला है। ओ भाई साहब लग जा लग जा लग जा। सो फाइनली गाइस हमारा बलून बनकर रेडी हो चुका है, और ये कह रहा हम लोगों ने विलन के स्कूल पे आग लगा दिया है। अभी इसको देख के तो नन मेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। अभी मेरे को नहीं पता इसको देख के नन का रिएक्शन क्या होने वाला है, पर अभी तो इसको देख के मेरे को एक ही रिएक्शन आ रहा है, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। सो अभी काफी मजाक हो गया गाइस। तो फटाफट से वाले बच्चे को लेकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और अभी जल्दी चल ले जल्दी चल ले अभी, क्योंकि विलन यहाँ पे भी आती होगी। 2000 years later. और यार ये कितना स्लो चलती है गाइस। अबे जल्दी चल ले कल सुबह पनवेल भी निकलना है। ओ भाई साहब तभी तो मैं सोचूं ये लोग यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं गाइस। यार ये लोग तो यहाँ का गेट भी नहीं खोला था यार। ये दोनों बंदे तो एक नंबर के कामचोर है गाइस, ये लोग तो सारा काम मेरे से ही करवाना चाहते हैं। तो अभी तो गाइस मैं काफी एक्साइटेड हूँ, और अभी गाइस मेरे को नहीं मालूम अभी यहाँ पे क्या होने वाला है। अभी बस प्लीज यार यहाँ पे कोई सस्पेंस क्रिएट ना हो। तो फटाफट से हम लोग इसके अंदर चलते हैं। हमारा पैराशूट अब उड़ने के लिए तैयार है गाइस, बट पता नहीं अभी ये दोनों बाहर में क्या कर रहे हैं। चलो घर चलते हैं। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि हमें घर भी जाना है। शायद से हमारा बलून एस्केप अभी कंप्लीट हो गया है गाइस, देख के तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है। और अभी तो बस मेरे को एविलन का रिएक्शन देखना है। और ये क्या गाइस मेरे को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा गाइस, नन अभी इस साइड कैसे आई। अरे रुको तुम लोग मेरा ट्यूशन की फी लेके कहाँ जा रहे हो? अरे मेरा 300 रुपए तो दे के जाओ। सबके सब चोर है, मेरा ट्यूशन का फी लेकर भाग। अरे यार मेरे को नहीं मालूम था कि ये लोग का ट्यूशन का फी भी बाकी है। अभी ना कोई नहीं, मैंने अपने हथौड़ा को ही ट्यूशन पढ़ाऊंगी। मेरा हथौड़ा पढ़ के आईएएस बनेगा। सारे बच्चों को स्किप करते देखे आंटी लगता पागल हो चुकी है। सो अभी फाइनली गाइस हम लोगों ने विलन का बलून स्किप भी कंप्लीट कर लिया है, वो भी गाइस नॉर्मल मोड पर। सो बाय बाय विलन आंटी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना, ना, ना।